आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज यहाँ दिल्ली में और देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरह का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन के तमाम साथीगण मिलकर कर रहे हैं, यह ऐतिहासिक होगा और आने वाले 2024 के चुनाव में यह हमें बहुत बड़ी जीत दिलाएगा। इंडिया गठबंधन को लोगों ने हल्के में लिया था, लेकिन आज आपने वो ताकत दिखा दी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 146 सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र का उपहास उड़ाया गया, यह शायद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में बेनजीर है। ऐसा दृष्टांत आपने कभी नहीं देखा होगा। पिछले सत्र में भी हमने देखा कि जब हमने मणिपुर की सुरक्षा को लेकर, मणिपुर में जो महिलाओं के साथ और लोगों के साथ जिस तरह का की हिंसा हो रही थी, उसके लिए जब हमने आवाज उठाई, उस समय भी सत्ता पक्ष अड़ी रही और उस सत्र में भी कई बहुत महत्वपूर्ण बिल पारित कर दिए गए बिना विपक्ष के। इस बार भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक सत्ता पक्ष की रणनीति है कि किसी न किसी बहाने में हम अड़ जाएंगे। देश की सुरक्षा की जब बात होती है, 140 करोड़ जनता अपने आप को ठगी सी महसूस कर रही है। वो कह रही है कि अगर आप पार्लियामेंट की, जो इस देश का सबसे सुरक्षित भवन है, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आप 140 करोड़ जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। इस पर जब विपक्ष ने जवाब मांगा तो एक एक करके सभी को निलंबित कर दिया गया, इतने सारे सांसदों को 143। शुरू में विपक्ष ने वॉकआउट किया, राज्यसभा में दो बार वॉकआउट किया गया, उस पर बात नहीं बनी, तब वेल पे गए, तब प्लकार्ड दिखाया गया और इसी बहाने से और तरह तरह के नए नए नियम बनाए जा रहे हैं कि विपक्ष की बोलती ही बंद हो जाए। मुझे लगता है ये समय आ गया है कि हम सभी मिलकर लोकतंत्र की रक्षा का बीड़ा उठाए, क्योंकि जिस तरह से कई राज्यों में वहाँ के विपक्ष के जो नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं, उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब की जा रही है, और जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, ऐसे नेता जब आपके पार्टी में आ जाते हैं तो आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको बचाने में लग जाते हैं। ये लोकतंत्र का की सही तस्वीर नहीं है। आइए साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों से यही अपील करूंगी कि ये ताकत आगे भी दिखनी चाहिए। और जैसा कि हमारे मीटिंग में भी ये बात हुई है कि हर 10 दिन में, हर महीने में बार बार हम लोग उन इलाकों में जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे और जाकर अपनी ताकत दिखाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जो पार्टी चुनाव जीतने में ज़्यादा सक्षम है, उसकी मदद हम सभी लोग मिलकर करेंगे। हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य होगा, 2024 के चुनाव में जीतना। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।